विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। क्या हुआ भाभी माँ, आप चिंतित क्यों हैं? नहीं देवर जी, कुछ विशेष नहीं है। नहीं नहीं देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंतित मत होइए। चिंता कैसे ना करूं भाभी माँ, इधर आप चिंतित हैं, उधर आप दोनों को स्पर्धा में देखकर माता भी अत्यंत चिंतित हैं। भाभी माँ, आप दोनों तो एक ही हैं, फिर ये व्यर्थ की स्पर्धा क्यों? एक ही डाल के दो पुष्प आपस में स्पर्धा करते हैं क्या? जब आप दोनों का जन्म प्रभु श्री नारायण के हर्षातिरेक से उत्पन्न अश्रु से हुआ है, फिर आप दोनों आपस में स्पर्धा कर स्वयं को क्यों व्याकुल कर रही हैं? देवर जी, मुझसे भूल हो रही थी। देवर जी, मुझे समझाने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आप दोनों को समझा पाया। देवर जी, गणेश जी ने उचित ही कहा है, मैं बहन वल्ली के साथ ऐसी स्पर्धा क्यों कर रही हूँ? और माँ को भी ये ज्ञात हो ही गया। देवर जी के शब्द सर्वथा उचित ही तो है, जब हम दोनों एक हैं, हमने एक दूसरे को स्वीकार किया है, तो फिर स्पर्धा तो मूर्खता है। उचित है, अब इन दोनों को समझ आ गया है तो स्थिति सामान्य हो जाएगी। अब भाभी माओं के मध्य शांति बनी रहेगी। दीदी क्षमा करें, मेरा आपसे स्पर्धा करना तो उचित नहीं था। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए बहन बल्ली, भोर से ही मैं हम दोनों की होड़ में लगी हुई थी। हाँ दीदी, स्वामी को नींद से मैं जगाऊं या आप, एक ही तो बात है। हाँ, मेरे हाथ से उन्हें जल मिले या तुम्हारे हाथ से, एक ही तो बात है। लेकिन एक बात ये भी है, मुझे सदा यही लगता है जैसे मैं ही उनके लिए कुछ अधिक कर डालूं। ये बात तो मेरे साथ भी है, ऐसा लगता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो मैं ही दे दूं। ये क्या हो रहा है? इन दोनों में शांति हो रही है या दोनों भाभी माँ फिर से एक नवीन स्पर्धा की तैयारी कर रही है? जैसा मुझे ज्ञात है, मुझे अब इस सूखे पौधे को जल देना चाहिए, किंतु मेरा मन कह रहा है कि सूर्यास्त होने ही वाला है, मुझे स्वामी की शैया तैयार करनी चाहिए। और मन तो मेरा भी ऐसा ही करने का है, और वो भी आपसे पहले। मैं विश्वास दिलाती हूँ, पहले मैं स्वामी की शैया तैयार कर दूँ, के बाद अवश्य तुम्हें जल दूंगी। उनका कार्य करने के बाद मैं तुम्हें जल देने अवश्य आऊंगी। अपनी से स्पर्धा में तो ये अपने सभी अन्य कर्तव्य भूल रही हैं। कैलाश में ये एक दूसरे के साथ स्पर्धा का कैसा वातावरण उत्पन्न हो रहा है? फिर तो तुम्हें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना चाहिए, क्योंकि देवी पार्वती को शीघ्र ही तुम्हारी आवश्यकता होगी। प्रभु श्री नारायण ने कहा था कुछ महत्वपूर्ण करना है मुझे, जो भी हो रहा है उसका संबंध वैकुंठ से ही है, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस मुरझाते पौधे के समान कैलाश की शांति और कैलाश की समरसता कहीं मुरझा न जाए
अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। कदाचित मुझे स्वामी से इसकी चर्चा करनी चाहिए। स्वामी तो सदा के समान अपने ध्यान में ही है। यहाँ समस्या बढ़ती जा रही है और मैं किसी से अपनी चिंता बांट भी नहीं सकती। स्वामी के लिए तो उनका ध्यान ही सब कुछ है, और घर परिवार किंतु उनकी दृष्टि से छिपा थोड़ी ही होगा कि कार्तिके का तो स्वाद ही बदल गया। अपनी माँ की खीर के आगे अपनी पत्नियों के हाथों का शीरा पूरी भाने लगा है, किंतु प्रभु ने इसे लेकर मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। बस भोजन किया और अपने ध्यान में रम गए, जिन्हें यही नहीं पता कि उनकी पत्नी के मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। मेरे भोलेनाथ तो अपने पुत्र वधुओं के बीच की स्पर्धा भी कैसे देख पाएंगे। भाभी माओं के मध्य जो हो रहा है वो ऐसी गुत्थी बनकर उलझ गई है जिसे सुलझाने का उपाय तो मुझे भी नहीं सूझ रहा है। क्या हुआ पुत्र गणेश, ऐसा क्या हो रहा है उन दोनों के बीच? स्पर्धा माँ और कोई साधारण स्पर्धा नहीं, अति असाधारण, अति गंभीर स्पर्धा। मुझे लगा था बड़ी साधारण सी बात है, साधारण स्पर्धा है, किंतु अब तो लग रहा है ये तो गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। अपने पति का ध्यान रखना, उस पर अपना अधिकार समझना उचित है, किंतु उसके लिए स्पर्धा करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अज्ञानता है। हाँ, वो दोनों बालकों के समान स्पर्धा में जुट जाती हैं, और माता ये सब देखकर बहुत तनाव में आ जाती हैं। मुझे तो भय है कहीं उनके इस आचरण के कारण माता किसी दिन क्रोध में ना आ जाएं। अज्ञानतावश जो हो रहा है वो उनमें दूरियां बढ़ाएगा, और जब आपस में दूरियां बढ़ जाएं, तो उस परिवार के शत्रु सक्रिय हो जाते हैं। द्वेष को बोने से तो द्वेष का ही फल फलित होगा ना, किंतु मैं अपने परिवार के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं आपको समस्या बता रही हूँ और उसे सुलझाने के उपाय के स्थान पर आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु, मैं आपसे इतनी गंभीर समस्या साझा कर रहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि ये वास्तव में इतनी गंभीर बात है नहीं, ये तो प्रत्येक गृहस्थी की बात है। प्रत्येक माँ को लगता है कि पत्नी के आने के बाद उसका पुत्र बदल गया है। हर सास को लगता है कि पुत्र वधुओं की आपस में ही होड़ लगी हुई है। वो आपस में ही नहीं, सास के साथ भी स्पर्धा में है। नहीं प्रभु, बात साधारण नहीं, गंभीर है। इतनी ईर्ष्या साधारण नहीं। मुझे तो शंका है, यदि मैंने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया तो उन्हें कहीं ये ना लगे कि मैं उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप कर रही हूँ। ये तो सर्वथा अनुचित होगा। मेरी चिंता का तो कोई समाधान ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। समाधान है, स्पष्ट है, और आपकी आंखों के सामने है। जब एक पौधा नकारात्मकता के कारण सूखे तो उससे पहले ही उसे सकारात्मकता की शक्ति से सींच दीजिए, और जब वो पौधा संपूर्ण परिवार का प्रतीक हो तो ये कार्य सभी को एक साथ मिलकर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब परिवार एक होकर इन समस्याओं से जूझता है तो सभी भेद मिट जाते हैं। नकारात्मकता, मनमुटाव, स्पर्धा, ईर्ष्या, ये सभी भाव दूर हो जाते हैं, और स्नेह, विश्वास, आपसी समझ का पौधा अपने आप लहराने लगता है। किंतु ये होगा कैसे? क्या करना होगा हमें? बुद्धि के देवता हो तुम गणेश, तुमसे भला क्या छिपा है? तनिक अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, सोचो। सोचा, बहुत सोचा,
फिर मेरे मन में आया कि मुझे कैलाश में आपके महान रूप के दर्शन हो रहे थे, तो क्या इस समस्या का समाधान उसी से जुड़ा हुआ है? संभव है। प्रभु, पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना, क्या सुझाव है आपका? एक कथा था और एक व्रत। कैसा व्रत, कैसी कथा? किंतु स्वामी, आप चिंता मत कीजिए प्रिय, इस पौधे के समान सब कुशल हो जाएगा। शीघ्र आपकी समस्या का समाधान स्वयं यहाँ चलकर आएगा। कोई भी आए युद्ध तो मैं करूंगा ही, फिर वो चाहे महादेव ही क्यों ना, महादेव ही क्यों ना, महादेव ही क्यों ना। इसका वध तो प्रभु कर चुके हैं, फिर ये यहां कैसे और क्यों पहुंचा? उसे रोकना होगा। वहीं रुक जाओ शंखचूड़, यहां शत्रुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं। गणेश, जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए तुम यहाँ आए हो, उन सभी का उत्तर तुम्हें कैलाश में ही प्राप्त होगा, और फिर वहाँ जो होना चाहिए उसे पूरे विधि विधान से तुम्हें ही करवाना होगा। सुना नहीं शंखचूर्ण, यहाँ शत्रुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं। वहीं रुक जाओ शंखचूर, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। शंखचूर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये शंखचूर नहीं है। प्रणाम नंदेश्वर जी, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। कपट, कुटिलता, अहंकार का रूप असुर शंखचूड़ नहीं हूं मैं। गोलोक निवासी परम श्री कृष्ण भक्त सुदामा हूं मैं। हाँ नंदी जी, ये उचित कह रहे हैं, यही इनका वास्तविक परिचय है। प्रणाम सुदामा जी। मैं बैर भाव से नहीं, मैं कृतज्ञता के भाव से आया हूँ। प्रभु महादेव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, विघ्नहर्ता गणेश और संपूर्ण शिवसेना को धन्यवाद करने आया हूँ, जिन सभी की कृपा से मुझे असुर जन्म से मुक्ति मिली है। प्रभु महादेव, प्रभु, प्रभु सत्य शिव, प्रभु सत्य शिव, प्रभु सत्य शिव। हे प्रभु सत्य शिव। प्रभु सत्य शिव, कल्याण कल्याण।
काशी के किसी भी भक्त को उनके इस नाम से उन्हें संबोधित करते हुए तो मैंने पहली बार सुना है ना गणेश। अद्भुत है ये नाम सत्य शिव। सत्य तो स्वयं श्री हरि नारायण है सुदामा। प्रभु भक्त की दृष्टि से देखें तो आप दोनों में भेद ही कहां है। जिनके दर्शन माया मोह के चक्र से दूर कर सभी झूठ से मुक्त कर दें, जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति दिला दें, वही सत्य है। और भक्त सुदामा को तो आप दोनों से सत्यता का आशीर्वाद मिला है। मेरे प्रथम जन्म में जब मैं एक निर्धन ब्राह्मण होने के बोझ से त्रस्त था तो मुझे उससे मुक्ति दिलाने वाले, गोलोकवासी बनाने वाले मेरे प्रभु ही तो थे, प्रभु श्री सत्य नारायण। श्राप के कारण मैंने असुर शंखचूड के रूप में जन्म लिया। मुझे आसुरी जीवन से मुक्ति देकर पुनः गोलोकवासी किसने बनाया? आप ही ने बनाया मेरे प्रभु सत्य शिव। इसलिए हे प्रभु, आप दोनों ही परम सत्य हैं। जिसे सत्य का परिचय हो जाए उसका तो उद्धार ही हो जाता है। इसलिए आज आपके सत्य रूप के दर्शन करने मैं कैलाश आ गया। मेरे सत्य शिव, सब कुशल हो जाएगा। शीघ्र आपकी समस्या का समाधान स्वयं यहाँ चलकर आएगा। अर्थात इनके आगमन से ही कैलाश की दुविधा का समाधान भी जुड़ा हुआ है। किंतु प्रभु, एक दुविधा तो थी मेरे मन में। मेरे असुर शंखचूड रूप में मैंने ऐसा क्या पुण्य किया कि मुझे आपके हाथों मुक्ति मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? किंतु अब इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है। उसका उत्तर है वो व्रत जो मैंने प्रथम जन्म में किया। उसका उत्तर है वो कथा जो मैंने उसी जन्म में सुनी। एक कथा और एक व्रत। कौन सा व्रत, कैसी कथा सुदामा जी? वो व्रत, वो कथा जो सभी कष्टों को मिटा दे, सभी चिंताओं को दूर कर दे, समस्या के बढ़ने से पहले उनको मूल से ही मिटा दे, जिसके बाद अशुभ का अंत होकर शुभता का विस्तार होता है। और जब परिवार एक होकर इन समस्याओं से जूझता है तो सभी भेद मिट जाते हैं। नकारात्मकता, मनमुटाव, स्पर्धा, ईर्ष्या, ये सभी भाव दूर हो जाते हैं। अर्थात प्रभु जिस समाधान का संकेत कर रहे थे वो यही है। श्री सत्य नारायण व्रत कथा। श्री सत्य नारायण व्रत कथा। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं। तो प्रभु नारायण इस समाधान की बात कर रहे थे। इस व्रत कथा की ऐसी महिमा है जो मात्र समस्या का समाधान ही नहीं करती, वो शुभता प्रदान करती है जो व्रत करने वाले के साथ जन्म जन्मांतर तक उसके साथ रहती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इसी महान व्रत के कारण ही मुझे एक जन्म में सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और दूसरे जन्म में सत्य शिव का। सत्यनारायण व्रत कथा, समझ गया। इस व्रत से ही कैलाश में पुनः शांति आ सकती है। हमें ये व्रत करना चाहिए। ऐसा अद्भुत महान व्रत है ये तो सभी को करना चाहिए। पुत्र गणेश ने उचित ही कहा, हम भी पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत करेंगे।
और श्री सत्य नारायण व्रत पूजा का आयोजन कैलाश में ही होगा। कैलाश में ही होगा। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। हे श्री हरि नारायण, मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं श्री सत्य नारायण व्रत की विधि हमें बताने की कृपा कीजिए। प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी पार्वती। कैलाश में सत्य नारायण व्रत का निर्णय लेकर आपने तो मेरे इस व्रत की महिमा, इसका महत्व अनेकों गुना बढ़ा दिया है। हे श्री हरि नारायण, सत्य तो ये है कि सत्य नारायण कथा से कैलाश में सभी अशुभ अशांति मिट जाएगी। हे श्री सत्य नारायण, आप हमें अपने इस व्रत की विधि बताने की कृपा कीजिए। ये व्रत कब और कैसे करना चाहिए? ये व्रत तो अत्यंत सरल है। सभी परिवारजनों, परिचितों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित कर दिन भर व्रत में रहकर संध्या को भोग चढ़ाना होता है। तब तो प्रसाद के लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी पकेंगे। मोदक तो आपको भी भाते होंगे ना प्रभु? गणेश, इस व्रत पूजा में मैं चूरमा, केला, घी, दूध और नारियल का आहार करता हूँ। किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक और भाग है इस व्रत का, श्री सत्यनारायण व्रत कथा। नारायण व्रत कथा। इन कथाओं में जीवन का, भक्ति का, ईश्वर का अर्थात सत्य का सार छिपा है, जो बहुत सरलता से सीख बनकर इसका श्रवण करने वाले तक पहुंचता है। ये वो सीख है जिनसे हम वर्तमान समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं और घर परिवार में एकता भी स्थापित कर सकते हैं। अर्थात ये तो मेरे परिवार के लिए मेरी मंगल कामना के सत्य होने का मार्ग है। प्रभु, हमें ये बताने की भी कृपा कीजिए कि आपका ये मंगलकारी व्रत कब किया जाता है। सत्यनारायण व्रत और कथा तो कभी भी किए जा सकते हैं, किंतु एकादशी, पूर्णिमा और बृहस्पतिवार को करने से अधिक पुण्य मिलता है, बहुत शुभ होता है। तब तो ये समय भी उचित है, कल ही बृहस्पतिवार है। तो फिर शुभ कार्य में विलम्ब क्यों? हमें कल ही सत्य नारायण व्रत और कथा का आयोजन करना चाहिए और इन कथाओं से हमें जीवन की बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हम कल स्वयं जाकर सभी को इस पूजा, व्रत और कथा के लिए आमंत्रित करूंगा। पुत्र गणेश, ब्रह्मदेव को आमंत्रित करो और उनसे कहो कि मेरा अनुरोध है कि वो इस पूजा में एक पुजारी के रूप में पधारे। अद्भुत, स्वयं ब्रह्मदेव पुजारी होंगे तो ज्ञान और सीख दोनों ही प्राप्त होंगे। प्रभु, मुझे भी आज रात्रि से ही सबके स्वागत और आसन की व्यवस्था में जुट जाना चाहिए। मैं प्रसाद बना दूंगी। इस आयोजन को भी स्पर्धा का रूप ना दे दे, ये तो अनुचित ही नहीं होगा। अपितु जिस कारण से इस व्रत का आयोजन करवा रही हूँ उसके विरुद्ध भी होगा।
दीदी, मुझे भी तो कभी अवसर मिलना चाहिए ना, ये मैं कर लूंगी। नहीं वल्ली, प्रसाद बनाना मेरा ही उचित होगा, तुम कोई अन्य कार्य कर लो। पर दीदी, पुत्रियों, ये पूजा कार्तिकेय के साथ तुम दोनों के हाथों से भी होगी। उत्तम यही होगा कि तुम दोनों आपस में कार्य बांट लो। पुत्री वल्ली, पूजा सामग्री एकत्र करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो तुम कर लो। अवश्य। पुत्री देवसेना, तुम प्रसाद बना लो। उचित है माता। सुदामा जी, आपने ही हमें इस व्रत के प्रति सजग किया है, इसलिए आपको इस पूजा में अवश्य रहना होगा। जो आज्ञा माता। मैं तो कल प्रभु सत्यनारायण व्रत और कथा को लेकर अत्यंत उत्साहित हूँ। माँ की दृष्टि में दीदी ही उत्तम है, तभी तो प्रसाद बनाने का दायित्व उन्हें दिया। पूजा की तैयारी का मुख्य कार्य वल्ली को देकर माँ ने उसे श्रेष्ठ होने का अवसर दिया है। नकारात्मकता के विचार जो आपस में मन मुटाव उत्पन्न करते हैं, कल के बाद कभी इन दोनों के बीच में ना आए, मैं तो बस यही मना रही हूँ। तो प्रभु, चले पूजा में सभी को आमंत्रित करने? अवश्य मूषक जी। सभी नवग्रहों को निमंत्रण है। कैलाश में श्री सत्यनारायण व्रत कथा में भाग लेने का निमंत्रण। देवगण, आप सभी का उपस्थित होना अनिवार्य है। सप्तऋषिगण, आप सभी कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। प्रभु आपके सत्यनारायण स्वरूप की पूजा में आपको और माँ को सर्वप्रथम आना होगा। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। सौभाग्य तो हमारा होगा, किंतु आपको शीघ्र पहुँचना है, क्योंकि आपके बिना पूजा आरंभ नहीं हो सकती। पिताश्री के अनुरोध के अनुसार श्री सत्यनारायण कथा में पुजारी बनकर पूजा तो आपको ही करवानी है, इसलिए शीघ्र चलिए ब्रह्मदेव, कैलाश में आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी। रंगोली तो बन गई, अब दीपक स्थापित कर देती हूँ। इस दीपक की ज्योत ने मुझे क्या स्मरण करवा दिया। मैं आप ही के पास आ रही थी, मुझे लगता है कि हमारी अतिथियों की सूची में हमें उन्हें भी आमंत्रित करना चाहिए, हमारी पुत्रियों को। अवश्य प्रिय, इस शुभ अवसर पर अपनी सभी पुत्रियों को आमंत्रित करना चाहिए।
पुत्र गणेश तो उनसे परिचित नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही उन्हें निमंत्रण दूंगी। पुत्री ज्योति, पुत्री अशोक सुंदरी, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माँ। मैं तुम दोनों को कैलाश में होने वाले सत्यनारायण पूजा के लिए आमंत्रित करती हूँ। पुत्रियों, तुम दोनों के आगमन से ये आयोजन हर्षोल्लासपूर्ण अत्यंत आनंददायक हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन के अवसर पर माँ मुझे निमंत्रण देना कैसे भूल गई? परिवार के किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब सकारात्मक सोच के साथ संपूर्ण परिवार एकजुट होकर उसे दूर करने का प्रयत्न करे।